और सेक्टर 16 पे हम लोग मौजूद हैं। खासियत बताओ, इतना रश माशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ है। पराठे और रायता, आम बाइट, ये मेरी बाइट है। अस्सलाम फ्रेंड्स, इट्स मी, माय नेम सलमान। सो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ए सलमान ब्लॉग। सो फाइनली जाहिद भाई की रिकमेंड पे हम लोग यहाँ पर आए हैं और कराची का मशहूर टाउन है औरंगी टाउन, गुलशन बिहार, मेरे ख्याल में गुलशन बिहार, गुलशन बिहार और सेक्टर 16 पे हम लोग मौजूद हैं अभी फिलहाल। और जो मेरे पीछे है अफशा पैलेस, अफशा पैलेस के पीछे जो है रुस्तम चाम, लोग हम लोग आज टेस्ट करेंगे और खाएंगे और कैसा है ये देखते हैं आज। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अजमन भाई, ठीक ठाक है? तो ये कब से दुकान है आपकी? हमारा 28-30 साल पुराना दुकान है। तो इसकी कोई खासियत बताओ, इतना रश माशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ है, तो कोई एक यूनिक सी चीज़ डालते, क्या डालते हैं जो माशाल्लाह दूर दूर से लोग खाते हैं? अपना मसाला बनाया हुआ है इसके, हमारा अपने घर का मसाला है। अच्छा, तैयार किया हुआ मसाला है, इसलिए अल्लाह के फजलो करम से चला है। तो ये कितनी, मतलब आपके वालिद साहब या दादा, मतलब वालिद साहब? कितनी पुरानी है? पुरानी दुकान। अच्छा, कितने साल हो गए इस दुकान में? 28-30 साल हो गए। 28 से 30 साल हो गए इस दुकान को। और माशाल्लाह अभी आप देख रहे हो ना रश कितना लगा हुआ है रुस्तम चाँ पे ये। और मैं यही कहूँगा कि आइए, बहुत स्पाइसी और बहुत अच्छा लजीज आई थिंक के चाँ पे हैं यहाँ पर। और काफ़ी दूर दूर से औरंगी के लोग तो आते ही हैं यहाँ पर, बट औरंगी से बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। हमारा खाना आ चुका है रेडी, तो हम लोगों ने अभी मंगाया है ये पराठा, लच्छेदार पराठा, काफ़ी मज़े का लग रहा है देखने में। और ये दही का रायता जिसमें अनियन डले हुए हैं और खीरे, मेरे ख्याल खीरा डला हुआ है। और ये है चाँप, दिस इज़ फेमस चाँप ऑफ रुस्तम चाँप। इसका हम टेस्ट देखेंगे और आपको बताते हैं कैसा जायके में कैसा है। और रुस्तम चाँप के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो आज ट्राई करके आपको बताते हैं इसका जायका कैसा है। रेसिपी पराठे हैं और हम लेंगे ये बाइट चाँप की, और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा रायता, तो उसका टेस्ट बताते हैं हम लोगों को आपको कैसा है चाँप, और इसको हम ट्राई करेंगे कैसा है। काफ़ी जूसी है और मसाले का फ्लेवर आ रहा है, मतलब अच्छा जायका है। इसके अंदर जो फ्राई हुआ है, क्रिस्पी भी हुआ है और जूसी फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम ये लगाएंगे दिस इज़ चाँप, दिस इज़ चाँप बाइट, ये मेरी बाइट है और काफ़ी जूसी है ये। और जो इसके अंदर जो क्रिस्पीपन आ रहा है, तो ये क्रिस्पी जो आ रहा है, ये कड़क कड़क जो है ना क्रिस्पी, ये काफ़ी खाने में पराठे के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मुँह की तरफ आई थिंक जो 10 में से इसको नंबर दूंगा मैं, तो मेरे ख्याल 9 नंबर दूंगा इसको। काफ़ी अच्छा है और फ्लेवर बहुत अच्छा सा है, खिल के आ रहा है।
में खा ली है, चाँप हमारा डन हो गया, हमने खाना भी खाया और काफ़ी मज़े की चाँप थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जो भी वीडियो है वो आपके पास आ जाए और आप सकून से देख सकें। तो चाँप कैसी लगी हसन? चाँप बड़ी गया थी, चाँप काफ़ी अच्छी थी और फेमस जगह है, मज़ा आया। मतलब मैं कहूँगा कि इतनी खास बहुत अच्छी भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, मतलब जो अच्छी थी बस खाने में मज़ा आ रहा था हम लोगों को और हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा हमारे साथ साथ। जायका बहुत अच्छा है, फ्लेवर सा है, इनका अपना ही हाथ का इनका मसाला होता है और ये लोग वो बनाते रहते हैं और ये खुद बना के मसाला डालते हैं ताकि फ्लेवर आए, इसको कहते हैं बिहारी चाँप। तो काफ़ी मज़े का था मेरे ख्याल में। जी जी, तो हमें दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।